अब तक जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है कीट विज्ञान, तो कीट इसमें कीटों के विभिन्न लक्षणों को जाने बिना कीटों को नहीं पहचाना जा सकता है। तो कीट विज्ञान में कीटों के विभिन्न लक्षणों के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। करेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें क्या है कि पहला लक्षण क्या है, कीट भूमि जल और वायु हर स्थान पर मिलते हैं। दूसरा है कि कीटों का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय का मतलब इनके शरीर का बाह्य कंकाल जो है तीन भागों में बंटा होता है, बाहर से अंदर की तरफ। तो इनका जो है बाहरी आवरण में तीन भाग होते हैं, एक है इसके शरीर का बाहरी आवरण जो है एक्टोडर्म बाह्य चर्म, दूसरा है मीजोडर्म मध्य चर्म, और तीसरा है एंडोडर्म तीसरा है एंडोटर्म या अंतःचर्म। तो यह तीन स्तरों में बंट चुका। दूसरा चीज क्या है विशेषता, इनका शरीर त्रिस्तरीय एवं समद्विपार्श्विक होता है। इनका शरीर समद्विपार्श्विक होता है, बाईलैटरल सिमेट्रिकल होता है। बाईलैटरल सिमेट्रिकल का अर्थ है कि अगर किसी चीज को बीच से खड़े खड़े काटा जाए, जैसे यह कोई चीज है इसको इस तरह से बीच से जब इसको काट देते हैं तो दोनों तरफ का भाग जो है कीटों में या इस तरह की संरचना होती है कि इनका दोनों पार्ट आकृति के अनुसार समान होता है, इसी को बाइलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। तीसरा लक्षण है कि इनका शरीर जो है खंड युक्त होता है, इनका शरीर खंड युक्त होता है और कई खंडों में बंटा होता है, जैसे सिर वक्ष उदर, और इनका बाह्य कंकाल जो है सबसे ऊपरी आवरण है, बाह्य कंकाल काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। अब इनके मुखांग के बारे में आ जाइए, अगला लक्षण है चौथा मुखांग। कीटों में कई प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, मतलब मुंह में कई तरह के, इनके मुख में खाने पीने का कई प्रकार होता है, उसी हिसाब से इनके मुंह की रचना होती है। तो मुखांगों की रचना होती है, जैसे काटने चबाने वाले मुखांग कटिंग एंड चीविंग टाइप, या चुभाने चूसने वाले जैसे मच्छरों में होता है, काटने चबाने वाला टिड्डा वगैरह में होता है, तो चुभाने और चूसने वाले मच्छरों में होता है, उसमें एक सुई की नोक जैसा होता है, उसको कहते हैं पर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तीसरा है साइफनाकार या साइफन के प्रकार का, तो यह तितलियों में होता है, स्पॉन्जिंग टाइप मुखांग होता है, यह मक्खियों में होता है। तो इस तरह से, और चाटने और चबाने वाले मुखांग जैसे बर्रे या मधुमक्खी वगैरह में इस तरह का चबाने और चाटने वाला और चबाने वाला दोनों के कारण जो वह छत्ते का निर्माण करती हैं, तो इस तरह का मुखांग मधुमक्खियों वगैरह में होता है। तो यह पांच छह प्रकार के कीटों में मुखांग पाए जाते हैं। अगली चीज है कि कीटों के सिर पर एक जोड़ी एंटीनी पाई जाती है जो कि खंड युक्त होती है, 8 से 11 खंडों की बनी होती है। तो दोनों तरफ सिर के जैसे सींग होती है उसी तरह की एंटीनी पाई जाती है, श्रृंगिकाएं जिसको हिंदी में कहते हैं, यह खंडयुक्त होती हैं। अगला है वक्ष, इनका वक्ष तीन भागों में बंटा होता है, अग्रवक्ष मध्यवक्ष और पश्चवक्ष वक्ष, प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो यह तीन भागों में इनका वक्ष बंटा होता है, और इनमें पंख, कीटों में पंख पाए जाते हैं।
केवल एक प्रोटीयुरा गण है जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। इनमें पंख जो हैं कीटों में पंख और श्वसन छिद्र भी इनके शरीर के ऊपर पाया जाता है, पंख में नहीं पाया जाता है। पंख तो उपांग है, तो कीटों में किसी में एक जोड़ी पंख पाया जाता है, किसी में दो जोड़ी पंख पाया जाता है। और श्वसन छिद्र भी इनके सभी खंडों में, इनका शरीर कई खंडों का बना होता है, 7 से 11 खंडों का बना होता है, तो सभी खंडों के, मान लीजिए यह है कई खंड का बना है, तो सभी खंडों के दोनों साइड में इसमें श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। थोरेक्स के भी दोनों साइड में पाए जाते हैं। अंतर केवल यही है कि प्रोथोरेक्स पे पंख और श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। शेष जो है मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है, अग्रवक्ष पे नहीं पाए जाते हैं, ना तो पंख और ना श्वसन छिद्र। मीजो और मेटाथोरेक्स पे दोनों तरफ श्वसन छिद्र होते हैं, किसी किसी में एक ही पार्ट पे, या तो मीजो या मेटा पे पंख पाए जाते हैं, किसी में दोनों पार्ट में पाए जाते हैं। अब वक्ष के निम्न तल पर इनमें हर वक्ष के हर खंड पर प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, इन तीनों वक्षों के तीनों खंडों पर नीचे की तरफ निम्न तल पर एक एक जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। इनका उदर 7 से 11 खंडों का बंटा होता है। अब अनिल, इनका उदर 7 से 11 खंडों का बंटा होता है, यही सब कीटों के कैरेक्टर्स होते हैं।